बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली जावेद स्कूल सिस्टम से, कंप्यूटर क्लास 9 लेक्चर नंबर 15 चैप्टर नंबर 2। मैं आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वह है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा को 1847 में फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और इंट्रोड्यूस करने वाला शख्स था जॉर्ज ब्लूम। इसने अपनी एक बुक के अंदर जो है वो इसको फर्स्ट टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया 1863 के अंदर, और बुक का नाम था लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा इज द अलजेब्रा ऑफ लॉजिक वेयर द स्टेटमेंट इज अ ट्रू एंड फॉल्स, यानी हर स्टेटमेंट बुलियन अलजेब्रा के अंदर या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इसके बाद जो प्रोपोजिशन क्या है, बेसिकली वो तमाम स्टेटमेंट्स जो बुलियन अलजेब्रा के अंदर इस्तेमाल की जाती है उन्हें हम प्रोपोजिशन का नाम देते हैं। ई स्टेटमेंट इन अ बुलियन अलजेब्रा इज एदर ट्रू और फॉल्स, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। वो तमाम स्टेटमेंट जो बुलियन अलजेब्रा के अंदर इस्तेमाल की जाए और उनका रिजल्ट या तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, उन स्टेटमेंट्स को हम नाम देते हैं प्रोपोजिशन का। और ट्रू स्टेटमेंट को डिनोट किया जाता है 1 के साथ और फॉल्स स्टेटमेंट को डिनोट किया जाता है 0 के साथ। यानी कि एग्जांपल के तौर पर द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज कराची। आप अगर देखें तो क्या कराची पाकिस्तान का कैपिटल है? नहीं। इसका मतलब यह है कि स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0। अगर मैं कहूं कि द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद, तो इट्स मीन स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 के साथ। अगर एक ऐसी स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट ना तो ट्रू में है ना फॉल्स में, तो उसे क्या कहेंगे हम? जैसे कि हमारे पास माय नेम इज सरफराज, तो इसका जवाब जो है ना हमारे पास व्हाट इज योर नेम, अब इसका जवाब जो है ट्रू फॉल्स में नहीं आता, इसका नाम जो है किसी ना किसी स्टेटमेंट के अंदर ही दिया जा सकता है। तो ट्रूथ टेबल क्या होती है हमारे पास? ट्रूथ टेबल बेसिकली वो टेबल होती है जो उन तमाम पॉसिबल रिजल्ट्स को क्या करे, शो करे गिवन इनपुट के लिहाज से। यानी कि जो इनपुट आपने टेबल के अंदर दी उसके वो तमाम पॉसिबल रिजल्ट्स जो आ सकते हैं उन तमाम को शो करने के लिए जो टेबल बनाई जाती है उसे हम ट्रू टेबल बना देते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर की एक ट्रू टेबल बनाई। एक वेरिएबल लिया एक्स और एक लिया वाई, पहली वैल्यू 0 1 0 1 0 0 1 0.0 = 0, 0.1 = 0, 1.0 = 0, 1.1 = 1। यानी यहाँ कहने का मकसद क्या है? फॉल्स, अगर फॉल्स दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरे स्टेटमेंट फॉल्स है तब भी रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स ही। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तब रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। जबकि हम अगर देखें और ऑपरेटर्स के अंदर एक्स एंड वाई, अगर एक कंडीशन दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तब रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। अदरवाइज कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो ये वो टेबल है जो बेसिकली गिवन इनपुट की आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करती है, इसको हम नाम देते हैं ट्रू टेबल। तो प्यारे बच्चों इस टॉपिक के अंदर अगर आपको कोई भी बात जो समझ ना आई हो तो आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।